अब एक और इशू होता है कि जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं, चाहे टीचर्स हों चाहे आपके पेरेंट्स हों, एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको ये याद नहीं हो रहा तो यू हैव टू बी कंसंट्रेट, इजंट इट? सब एक ही चीज़ बोलते हैं, कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो। क्या कोई ये बता पाया आज तक कि भाई कंसंट्रेट करते कैसे? देखिए, सबसे पहले है आपकी लर्निंग, भाई आप सीखना चाहते हो और सीखने के लिए आपके पास है कंसंट्रेट, कि आप कंसंट्रेट करेंगे और कंसंट्रेट आप करने के लिए आपके पास इश्यू आता है कंसंट्रेट होता कैसे। उस कंसंट्रेट के लिए आपको चाहिए क्या? इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अब बात आती है इंटरेस्ट बनता कैसे, तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए। मैं माइंड साइंस पे काम कर रहा हूँ कपल ऑफ ईयर्स और मैं न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामर हूँ। न्यूरोन्स मीन्स आवर ब्रेन, लैंग्विस्टिक द लैंग्वेज विच दैट अंडरस्टैंड आर द प्रोग्रामिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट मेक द पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए एक चीज़ होती है आपको, वो होती है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सपोज करो आपके यहाँ पर दो हॉल हैं आमने सामने, दोनों में सेम फैसिलिटीज़ हैं, पूरे एसी हैं दोनों के दोनों, सारी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा है, पर फर्क इतना है सेम मूवी लगी हुई है, वो जो मूवी लगी हुई है उसमें एक में है वीडियो, क्या है? वीडियो, और एक में है स्टिल फोटो। तो आप कौन से में जाना चाहोगे, जो स्टिल फोटो लगी हुई है उसको देखना चाहोगे या वीडियोज को देखना चाहोगे? चलो, पहला हो गया आपका मूवी, फर्स्ट कहाँ रुचि करते हैं आप? मूवी पे। सेकंड, अगर उसमें एक बिना साउंड की होती और एक में साउंड के साथ होती, अच्छा म्यूजिक भी होता उसके साथ में, गाने भी होते, लिरिक्स भी होते, और एक है कि बिल्कुल म्यूट है, तो आप किस में जाना चाहोगे? साउंड वाले में। दूसरा इशू बनता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है आपका साउंड, क्या क्रिएट करता है? साउंड। तीसरा आता है, एक में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है और एक में कलर, विच वन विल यू प्रिफर? तीसरा जो इंटरेस्ट पैदा करता है वो है कलर। नेक्स्ट आता है कि एक बड़ी फोटो है पूरी क्लास की आपकी, और आप उस फोटो को देखते हो अपनी दीवार पे लगी हुई, तो उस फोटो में आप उसमें क्या देखेंगे? पहली चीज है, सब अपने आप को देखेंगे, यानी कि अगर आप उसके साथ एसोसिएट हैं, आई सेल्फ माई सेल्फ, अगर आप खुद एसोसिएट हैं उसके साथ तो आप उसको जल्दी याद कर पाएंगे। इसलिए फोर्थ वन है आई माई सेल्फ, मैं। जब तक आप उसके साथ एसोसिएट नहीं हो तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि यदि आप बाहर खड़े हो गेट पे और गेट पर सुबह से लेकर के शाम तक हजारों लोग जा रहे हैं जिनमें से आप किसी को नहीं जानते, कितने लोगों को याद कर पाओगे शाम तक? जानते नहीं तो याद कैसे करो एग्जैक्टली? अगर उनमें एक बंदा ऐसा हो जिसके पूंछ हो, टेल हो लंबी, कैन यू फॉरगेट द इंटायर लाइफ? अगर हकीकत में उसको लंबी पूंछ हो तो क्या उस आदमी को तुम पूरी जिंदगी भूल पाओगे? क्यों? क्योंकि वो यूनिक है, क्योंकि वो यूनिक है। तो नेक्स्ट वन आता है यूनिकनेस। नेक्स्ट वन क्या आता है? यूनिकनेस। जब आप किसी भी चीज के साथ में अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो उनके लिए ये पांच चीजें आपको रूटीन में चाहिए। पहली चीज क्या है बोलिए? मूवी। सेकंड क्या है? थर्ड। फोर्थ। और फिफ्थ? यूनिकनेस।